हेलो एवरीबॉडी. वेल, सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा थैंक यू कि आपकी इतनी सारी कहानियां हमें यह है आशिकी में मिली. हम जो कहानी आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो कहानी है दिल्ली के कपिल धौंदियाल की कहानी. नाउ, इस कहानी को देखने के बाद आप यकीन करेंगे और कहेंगे कि ये है आशिकी. वेल, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास. ये है आशिकी पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट लव हीरोज स्पेशल एपिसोड. पापा, डरा दिया आपने. क्या यार, ओ हो, और क्या, आप मेरे पापा भी हो और दोस्त भी. अच्छा, तो दोस्त को बता दे. क्या यही कि तूने इसको अपने दिल की बात बताई कि नहीं? किसको? अकलाना बंद कर अन्नू को. गधे, तस्वीरी देखता रहेगा, अपने दिल की बात भी बताएगा? ऐसी कोई बात नहीं है पापा. बेटा, तेरा बाप बचपन से तुझे जानता, तेरे दिल में क्या चल रहा है ना सब कुछ समझता. बचपन से तू इसके साथ खेला है, पढ़ा है, बड़ा हुआ है. बड़ा ही तो नहीं हुआ. अब डायलॉग बाजी बंद कर और जल्दी से तैयार हो वरना वो निकल जाएगी. चल. गुड मॉर्निंग पापा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यार मुझे कुछ पैसे चाहिए. टीवी के पास मेरा पर्स पड़ा, ले लो. डैड, आई नीड 25,000. What? अरे पोर्टफोलियो बनवाना है. अरे अभी दो तीन महीने पहले तो बनवाया था, उसको क्या हुआ? Please dad, that looks dated. And besides, उसके pictures भी अच्छे नहीं आए थे. You know, कल मैं विक्की खन्ना से मिली थी. He's an ace photographer, dad. The best in the industry. And he's gonna shoot me. Me, dad. तू एक काम कर, कहीं से बंदूक ला और मुझे शूट कर दे. अरे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? जितने पैसे तो अपने पोर्टफोलियो पर खराब करना चाहती है ना, उतने तो तुम्हारे स्टडी में भी नहीं लगे. तो रानी के लिए कहाँ बोल रही हूँ मैं डैड. Think of it as an investment. एक बार मैं मॉडल बन गई ना डैड तो कुछ नहीं करना. तुम्हारा फाइनल ईयर है, अपनी पढ़ाई पूरी करो बस. इसके बाद एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा, वो भी अगर तुम्हारी हाइट का मिला तो. मिलेगा, और वो भी मुझसे लंबा. आप इस बारे में टेंशन मत लो प्लीज. एंड बिसाइड्स, उसके लिए अभी बहुत टाइम. राइट नाउ आई डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स फाइनल. हाय अनु. हाय. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग अंकल. क्या बात है बेटा, थोड़ी परेशान लग रही हो. सेम ओल्ड अंकल प्रॉब्लम. डैड ऑल गॉन. क्या समझना नहीं चाहते, कहते देयर इज नो नीड टू डू मॉडलिंग. मॉडलिंग तेरे बाप का ना कुछ करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ. वैसे एक बात है, आई कैन हेल्प यू इन दिस. मेरे दो तीन पेशेंट हैं जो टीवी कमर्शियल्स करते हैं, यू नो दीज एड थिंग्स, उनसे बात करूँ तुम्हारी? प्लीज अंकल, दैट बी वंडरफुल. ठीक है, आज ही करता हूँ. थैंक यू सो मच अंकल.
चल कॉलेज के लिए देर हो रही है। रणवीर है ना अनु से बहुत प्यार करता, लेकिन वो कभी भी अनु से ये बात कह नहीं पाया, तो समझ दिया गरीब से। और कहीं ना कहीं रणवीर की जो छोटी हाइट का कॉम्प्लेक्स था वो हमेशा उसे अनु से दूर करता था। और दूसरी तरफ अनु रणवीर को एक अच्छे दोस्त की तरह देखती थी। अच्छा नाउ रणवीर के दिल की बात वो कभी अनु से कह भी पाएगा, या फिर कोई लव हीरो आएगा उसकी जिंदगी में उसकी मदद करने? Let's have a look. क्या यार पापा भी ना बात ही नहीं समझते, so irritating. Hi, how are you? How's it going? अच्छा bye हाँ। So what's happening? पार्टी कैसा रहा? क्या हो रहा है? बहुत है ना? अबे रुक! क्या कह रहा है? लड़की पटाएगा है? साले बाल बड़े करने से लड़की पट जाएगी हा? अच्छा रवि एक बात बता, टॉपर से तो लड़कियां पटती है ना, तो फिर ये अकेला क्यों घूम रहा है? क्या प्रॉब्लम है तेरी यार? क्योंकि इसके साइज की तो अपने कॉलेज में कोई है ही नहीं। ये कहना भाई अनु। अच्छा तभी सोचू। अच्छा दोनों को साथ में खड़े हुए कभी देखा है तुमने? एक वो है जो शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं होती, और ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जाने दे मुझको। अब सुन, उस लड़की के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो लड़की मेरी है, समझा? और तेरी पहुंच से बाहर है, समझा? ये ले तेरा बैग, लेना आना लेना। क्या पहुंच नहीं पा रहा? बैग दे यार, समय तेरी पहुंच के बाहर है, आना। अरे मना क्या कर रहा हूँ, मना क्या कर रहा हूँ, लेना। तुमने रणवीर से बात की? दरवाजा खोले तो मैं बात करूँ ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उस लड़के की। परेशान करके रखा है सबको, बात क्या ये नहीं समझ आ रहा? बताए तो मैं कुछ पता करूँ ना, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। I'm really worried है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मैं देखता हूँ। अनु बेटा। हाय अंकल। ओ हाय बेटा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा? कम 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 इनसाइड। अंकल क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? श्योर बेटा, तुम्हारे घर है। इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो अंकल, पापा फिर से शुरू हो गए। पता नहीं उनको मेरे मॉडल बनने से इतना प्रॉब्लम क्यों है। पोर्टफोलियो बनवाने के लिए पैसे मांगे तो मना करती, बट आई विल से एनीथिंग देन। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मेरा पुराना पोर्टफोलियो फाड़ के फेंक दिया। ओह गॉड, दैट्स बैड। तू टेंशन मत ले, मैं सुदेश से सुबह बात करूंगा। ओके कम, लेट्स हैव फूड। पता है अंकल, हर एड एजेंसी, हर फैशन डिजाइनर, दे ऑल वांट ऑल मॉडल्स, पर डैड ये बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। तू टेंशन मत लेना, बैठ। अरे सुदेश ने फिर से डांट दिया इसको, पोर्टफोलियो फाड़ दिया इसका। हाय आंटी। हाय बच्चा, तो चिंता मत कर, खाना खा ले पहले। अच्छा आंटी, रणवीर का है, खाना खाया उसने? रणवीर का तो पूछ ही मत बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। जब से कॉलेज से आया तब से इतना उदास है, अपने आप को अंदर रूम में लॉक करके बैठा है। क्या बेटा कॉलेज में कुछ हुआ है क्या आज? आंटी वो मैं जाके देख के आऊं? देख ट्राई कर, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया, तेरी बात जरूर सुनेगा। रणवीर, रणवीर दरवाजा खोलो। अरे छोड़ दे बेटा, भूख लगेगी अपने आप आ जाएगा, तू आ खाने का। अरे तू बैठ खाने का। चल शुरू कर।
अनु तुम? और कौन? तुम्हें क्या लगा? चोर है? तुम ही आया कर रही हो? लॉन्ग स्टोरी, भूख लगी है ना? नहीं, मुझे तो प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए आया था। झूठ, भूख लगी है ना तुम्हें? अरे नहीं, सच में मैं पानी पीने के लिए आया था। रणवीर, बचपन से जानती हूँ तुम्हें यार, तू झूठ बोल रहे हो। यार शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। भूख नहीं लगी। फॉरगेट, मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। ओके, बट आई एम नॉट हंग्री यार। अरे तुम हमेशा अगर ऐसे ही रहती तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही मतलब हमारे घर पे रहना शुरू कर दो? नहीं मतलब जब हम अकेले होते हैं तो कितनी बातें करते हैं, लेकिन कॉलेज में तो तुम तो मम्मी की तरह बिहेव कर रही हो। सेडक्टिवली भी कर सकते। प्यास लग रही है, ये लो पानी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे सुबह तुम बगैर बताए चले गए। अरे अंकल आप लोग सो रहे थे तो जगा देती बेटा। ऐसे कैसे? और रात को तुम्हारे दोस्त ने खाना खाया कि भूखे पेट सो गया? ऑफ कोर्स खाया, मैंने खिलवाया ना उसको डांट के। मुझे पता था उससे सिर्फ तुम ही सुधार सकते। पता नहीं बेटा आजकल वो थोड़ा सा डिप्रेस रह रहा है। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, हमसे भी कोई बात शेयर नहीं कर रहा, किसी दोस्त को भी फोन नहीं कर रहा। तुमसे कुछ बात की? बिल्कुल नहीं अंकल। बेटा अगर तुमसे हो सके तो थोड़ा उसके संग टाइम बिता लो, शायद तुम्हें बता दे। अंकल मैं आई नो यू आर बिजी बेटा, बट इट्स ओनली रिक्वेस्ट। मुझे याद है बचपन में जब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था ना, किसी की नहीं सुनता था, तो सिर्फ उसे तुम ही पढ़ा सकती थी। हाँ मुझे याद है। देखो मेबी बी जस्ट गिव मी अ विजिट, गो फॉर अ मूवी और अ कॉफी, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो अंकल, बट आप कह रहे तो आई विल गिव इट अ शॉट। थैंक यू बेटा। वेलकम अंकल। चलो अंकल, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज, आई विल सी यू। ओके बाय। ठीक है, बाय। यू नो शायद अनु और रणवीर के बीच में कभी प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी एक अनकही केमिस्ट्री जरूर थी। और अगर जरूरत थी तो सिर्फ इस केमिस्ट्री को पहचानने की, उसे समझने की और उसे महसूस करने की। और आई थिंक हमारी कहानी के जो लव हीरो यानी कि जुगल, उन्होंने इस केमिस्ट्री को रिवाइव करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की। रणवीर वेक अप, कॉलेज का टाइम हो रहा है, गेट अप, कम ऑन। अनु प्लीज सोने दो। गुड मॉर्निंग, वेक अप, कम ऑन, उठो ना। अनु वैसे तो तुम सपने में कभी मुझसे बात नहीं करती थी, पर आज कर रही हो। अभी डफर, ये सपना नहीं है, आई एम एक्चुअली हियर। अनु तुम ओए, पंद्रह मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। उठो रणवीर और अगले 15 मिनटों में जाके कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। कम ऑन। मैंने नहीं जाना। क्यों? बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने भी कह दिया जाना है तो जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जस्ट नॉट फॉर मी।
Please be muted. ऐसे बॉक्सेस में तो काफी हॉट लग रहा है। मिस्टर रणवीर लाल, अगर तुम अगले सारे 13 मिनट में रेडी नहीं हुए तो तुम्हारी ये अर्धनग्न पिक्चर कॉलेज की नोटिस बोर्ड पे होगी, समझे? यार तुम्हें पता है ना वो समीप कॉलेज में कितना परेशान करता है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। You only have 10 minutes, sir. Come on. तुझे पता है वो लेक्चर कैंसल हो गया। Are you serious? Yeah. That's awesome. Thanks. Bye. Bye. अच्छा रणवीर सुन, कॉफी के लिए चले? Are you sure? हाँ बाबा। Great. तो मैं ये बुक लाइब्रेरी वापस करके आता हूँ। Okay. ठीक है। Bye. See ya. क्या है, है? जो बोला था ना वो तेरी पोस्ट से बाहर है, है? समझ में नहीं आता कि तुझे क्यों घूम रहा है उसके साथ, है? क्यों घूम रहा है? ऐसे देख क्या रहा है? मारेगा? ले मार, मारना, मार, मार। अबे तुझे कॉलेज की तो क्या, किसी भी कॉलेज की कोई भी लड़की नहीं पटने वाली, समझा ना? ले आ, ले तेरा बैग, ले ले, ले टॉमी, समीप, ले ले तेरा बैग, ले बैग वापस कर, नहीं दे रहा है, कर वापस। रिलैक्स अनु, देखते हैं ना तब तक ये हैंगर बनके मेरा बैग अपने सर के ऊपर लटका के रखेगा। क्या हुआ? मैं आया? थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मूवी देखने चले? मगर फर्स्ट रो की टिकट नहीं मिली तो? फर्स्ट रो? हाँ यार, बैक रो की किसी सीट पे बैठता हूँ तो मूवी कम, लोगों के सर ज्यादा दिखते हैं। और अगर मैं आगे बैठ गई तो पीछे वाले को कुछ नहीं दिखेगा। लैपटॉप पे ही देखनी पड़ेगी मूवी। अनु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढ डाला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। What happened? अरे बताओ ना। कुछ नहीं, बस अमन की ट्यूशन क्लास में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो मुझे बता ही नहीं रहा। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ उससे। Are you sure? हाँ, 100%। चलो अब। पक्का? हाँ पक्का, चलो। राहुल, तूने मारा क्यों? भूत कह रहा है मारेगा। मारेगा नहीं। क्या हुआ, काम क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? बड़ा स्ट्रांग है यार, जिम जाता है क्या?
देखो ना। हाय, I'm रणवीर। तेरा नाम सुना मैंने, राहुल। नाइस नेम यार। राहुल, तूने इंग्लिश की वो फेमस प्रोवर्ब सुनी है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड? मतलब पता है इसका? तुम्हें पता है? हाँ। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ लाइफ में तुम करते हो वो पलट के वापस तुम्हारे साथ होता है। तुझे बड़ा मजा आता है ना इसको परेशान करने में, जस्ट बिकॉज वो वीक है, तुझे पलट के जवाब नहीं देता, तेरी ये फालतू की हरकतें बर्दाश्त करता रहता है ना? तुमने कभी ये सोचा है कि हम चुप क्यों रहते हैं? मैं बताता हूँ, एक्चुअली हमें चुप रहने की आदत पड़ चुकी है, बट दैट डजंट मीन कि हम कभी पलट के जवाब नहीं दे सकते। और ये बात समझ ले राहुल, जिस दिन हमने पलट के जवाब दिया ना, उस दिन तुम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे। और चल अमन। थैंक्स रणवीर, अमन की हेल्प करने के लिए। आज मैंने पहली बार तुम्हें किसी को इतना पोलाइटली दाते हुए देखा। यू नो व्हाट अनु, आज मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस से कोई वीक या स्ट्रांग नहीं होता। इनफैक्ट लोग हमें कमजोर तब समझने लगते हैं जब हम अपने आप को खुद कमजोर समझने लगते हैं। थैंक्स। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद आज मैं अभी भी अपने आप को कमजोर ही समझ रहा होता, लेकिन अब आई डोंट इवन केयर अबाउट माई शॉर्ट हाइट एनीमोर यार। अनु, एक बात पूछनी थी। पूछो। विल यू बी माई डेट फॉर द वैलेंटाइंस पार्टी? इनफैक्ट मैं यही चीज तुमसे पूछने वाली थी। Yes. अच्छा अनु, एक और बात पूछनी थी मुझको। पूछो। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे लगी? रणवीर, एक्चुअली वो। अरे अनु, तुम यहाँ कब से ढूंढ रहे हो तुम्हें? अंकल हाय। अरे बड़ी अच्छी खबर है, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे कुछ पेशेंट हैं जो एड एजेंसी चलाते हैं। हाँ। मैंने उनको तुम्हारी तस्वीर दिखाई एंड दे वांट टू मीट यू। आर यू सीरियस? दैट्स अमेजिंग। चलो चलो आओ जल्दी, मैं बात कराता हूँ। आई विल बी बैक। कमाल हो गया भाई। थैंक यू अंकल। बेटा प्लीज, रणवीर को असलियत के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से रणवीर का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया। अगर उसे पता चल गया कि मेरे कहने से तुम उसका साथ दे रही हो तो उसका दिल टूट जाएगा बेटा। I understand, uncle. And by the way, मैंने आपके कहने पे रणवीर से मिलना शुरू किया वो इसलिए because I genuinely care for him. मैं रणवीर को बचपन से जानती थी लेकिन आज जाके मुझे पता चला है कि वो कितना अच्छा लड़का है। Truly a gem, uncle. And I think I love him. God bless you, बेटा। Thank you. दी, मैंने इक्वेशन फाइनली क्रैक कर दिया। That's amazing. और आपको पता है क्लासेस में आज टेस्ट था और मैंने वहां भी टॉप कर दिया। Congratulations, Aman. You know, Aman, I'm so proud of you. Thanks, Dee. मुझे अपना अमन वापस मिल गया।
वैसे इट्स ऑल थैंक्स टू रणवीर भैया। आप उन्हें पसंद करते हो ना? अबान, फोकस। बताओ ना दी। अबान, यू आर डूइंग समथिंग ना? गेट बैक टू इट, कम ऑन। वैसे मेरे साइड से तो आया। What? मुझे अपना लाइफ का पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया। Seriously? फाइनल वाला? Yeah. So happy for you. It's all thanks to Ranveer's father. Oh, that's so sweet. है ना? But tell me one thing. What? उस रणवीर के साथ तू अभी भी घूमेगी या? Excuse me? What do you mean? I'm just saying कि डील तो यही थी ना कि मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल गया है। वो तो मिल गया। Shut up या पूजा। I mean, हाँ। शुरू तो अंकल के कहने पे हुआ था बट wasn't for this modeling assignment, yeah? I really care for the guy. Caring कब से शुरू हो गई? मुझे यार का मजाक मत उड़ाओ। Now I think I've fallen for the guy. I really like him. उसको बताया तुमने? नहीं। और प्लीज इसका जिक्र रणवीर को प्लीज मत करना। I mean if he comes to know he'll be so hurt. Don't worry. उसे नहीं पता चलेगा। Hi. अन्नू, इस वैलेंटाइन को मेरे साथ पार्टी में चलोगी? Excuse me. तुझसे बात नहीं कर रहा। अन्नू चलोगी ना? No. Because he's my date. Okay. So it's a choice या फिर कोई डील है? मतलब क्या देना? मतलब तो अब अन्नू ही समझाएगी। क्यों अन्नू? रणवीर लेट्स गो। एक मिनट, किस डील की बात कर रहा है तू? डील सिंपल सी है, तेरे पापा ने अन्नू को मॉडलिंग असाइनमेंट दिया और उसके बदले में अन्नू तुझे कंपनी दे रही है। क्यों अन्नू? रणवीर लेट्स गो फ्रॉम हियर, कम ऑन। वेट अ मिनट, क्या बोल रहा है? लेट्स गो यार, इग्नोर हिम। क्या बोल रहा है ये? मैंने कहा इग्नोर हिम। सच बोल रहा है? मेरे पापा से तुम्हारी क्या बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई। You're listening to him of all the people. Like, are you serious? मेरे पापा के बोलने पे कर रही हो ना तुम? Can we please not talk in front of him यहाँ पे? बाहर जाके बात करें। बाहर नहीं, मुझे यहीं पे बात करनी है। रणवीर प्लीज छोड़ो। मैं कुछ जाने नहीं दूंगा, तुम बताओ मुझे। रणवीर लेट्स गो फ्रॉम हियर, इसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ, मुझे अब भी सुनना है। फाइन, सुनना है ना सच, सुनो। हाँ, अंकल की वजह से मैंने तुमसे बात की, तुमको कंपनी दी। But it wasn't for any modeling assignment, yeah. और धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी रणवीर। I fell in love with you. You are lying. रणवीर, I'm not. You are lying. रणवीर, I love you. I no, you don't. Do. रणवीर, please don't go. I hate you, Anu. I hate you. रणवीर, आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? ये मेरी लाइफ है पापा, कोई बिजनेस नहीं। जैसे आपने डील बना के रख दिया और मैं ये सोच रहा था कि वो सच में मुझसे प्यार करने लग गई है, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ना। ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लडी डील। क्यों किया पापा आपने ऐसा? व्हाई? ओ वेलकम द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस। क्या यार, क्या एक्टिंग करती हो तुम तो? रणवीर जैसा तुम सोच रहे हो। शट अप, जस्ट शट अप। Played with my heart, my feelings. Don't let me believe me. It's nothing like that. It is like that only. Miss Anu Saini, मेरी तो सिर्फ height छोटी है, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है. Ranveer, don't you dare shout at me. तुम्हारी जैसी cheat, धोखेबाज और छोटी सोच वाली लड़की से मुझे कोई बात नहीं करनी है. So just get lost और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना. Fine, जा रही हूँ मैं. But before I go, I want to tell you something. मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी, but you know what? Not anymore. क्योंकि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो. Bye. अनु बेटा,
अनु बेटा, he doesn't mean it. गुस्से में क्या गया बेटा? नहीं अंकल, अगर इसे मेरा चेहरा नहीं देखना है तो ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी. और आप अपनी फ्रेंड से कह देना कि अनु अब मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है. गुड बाय. यू नो, गलतफहमी अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ सकती है. और ये रणवीर की गलतफहमी थी जो उसके और अनु के रिश्ते को शुरू होने से पहले खत्म कर रही थी, क्योंकि रणवीर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि अनु अब उसे सच में प्यार करने लगी. उसे तो ये सब अनु का नाटक लगता था, झूठ लगता था. Well, अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन दोनों की कोई मदद कर सकता था तो वो थे हमारे लव हीरो मिस्टर जुगल, यानी कि रणवीर के पापा. बेटा संभल. पापा, पापा, ये सब कैसे हो गया? संभल के अंकल, अंकल कैसे हुआ? बेटा रास्ते में ट्रक मार के चली गई. वो तो लकली आई वाज क्रॉसिंग द रोड एंड आई सॉ हिम. डॉक्टर ने क्या कहा? एमआरआई करा ली है, मैंने रिपोर्ट देख ली है, ऑल इज ओके. थैंक गॉड अंकल, आप टाइम पे पहुंच गए वरना. बेटा गिव हिम रेस्ट, गिव हिम रेस्ट, बस आराम कर. पापा, पापा मम्मी बता रही थी कि एवरीथिंग इज ओके. बेटा बेटा इन्हें पानी पिलाओ ना. ठीक तो हो जाएंगे ना? नॉट टू वरी बेटा, मैं डॉक्टर हूं, मैं कह रहा हूं ना ठीक हो जाएंगे. जस्ट रिलैक्स. हेलो. हाँ अच्छा, क्या बेड नंबर क्या है? अच्छा ठीक है, ओके मैं आता हूं. हाँ स्टे दे मैं आता हूं. बेटा एक इमरजेंसी आ गई है, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. कोई बात नहीं पापा, मैं हूं यहां पे, आप जाइए. गुड बेटा. सुरेश कुछ हो? हाँ अन्नू को बोलना मुझे फोन कर देगी. हाँ ओके टेक केयर. टेक केयर. खाना खाया तुमने? हाँ.
झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है कि तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी। इनफैक्ट मुझे ही बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाते। नहीं, भूख नहीं है। ठीक है। रणवीर क्या कर रहे हो? स्पिट इट आउट। रणवीर स्टॉप इट। ये क्या है? मुझे तो कुछ खाने दो। चल कम ऑन। चलो रणवीर बैठो। अकेले नहीं खाऊंगा। फाइन। थैंक्स। खाना मैंने नहीं बनाया। खाना बनाने के लिए नहीं, मेरे साथ खाना खाने के लिए। सॉरी अनु। मुझे उस दिन तुमसे वैसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करता, मैं गुस्से में था। तो गुस्से में होने का ये मतलब है कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है तुम्हें? फीलिंग्स तो मेरी भी हर्ट हुई थी ना यार। रणवीर, that was a misunderstanding। मैंने पूरे कॉलेज, समीप, सबके सामने आई टोल्ड यू दैट आई लव यू। इसलिए नहीं, ताकि आई कुड सेव माय स्किन, लेकिन इसलिए रणवीर क्योंकि मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगी। एंड देन बिफोर आई कुड इवन कन्फेस माय लव, पता नहीं सब समीप को ये सब कैसे पता चल गया। एंड एक बात पूछूं, अगर अब तुम मेरे साथ वैलेंटाइन्स पार्टी में चलोगी तो उसे मैं क्या समझूं? लव या सिंपैथी? मिस्टर रणवीर लांबा, एंड हमारा प्रपोजल बस ऐसे ही हो सकता है विद मी ऑन माय नीज, क्योंकि अगर तुम अपनी नीज पे बैठोगे तो मेरे लिए तुम्हारे आंखों में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली मेरे लिए तुम्हारी आंखों में देखने के लिए ये अकेला ऑप्शन है। I love you, अनुसैनी। I love you. क्या एक्टिंग करता है, by God. कैसी लगी हमारी एक्टिंग? पापा ये सब क्या है? हाँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। Two is a company and three is a crowd. लेकिन यू नो कई बार
दो प्यार करने वालों को भी किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है, जैसे रणवीर और अनु को पड़ी हमारे लवीर और जुगल की। बट वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिन्होंने आप दोनों को मिलाया, तो खींचे अपनी अपने पार्टनर की और अपने लवीरों की फोटो और भेजिए हमें bindaas.com पर। अंटिल द नेक्स्ट वीक, मैं आपसे मिलूंगा विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। कीप वॉचिंग। हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स तो था ही, उम्र बड़ी पर हाइट नहीं बड़ी, और ये मैडम की हाइट कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी मेरे से, क्योंकि लाइक तो मैं बचपन से ही करता था, तो मैं बहुत अकेला सा हो गया था। बट मेरे जो डैड हैं उनसे मेरी बचपन से बहुत अच्छी, मतलब एक फ्रेंड की तरह थे मेरा और उनका, और उन्हें पता था कि मैं लाइक करता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं था उनको। फिर मेरे पापा ही मेरी लाइफ में लव हीरो बन के आए और मैं हिम्मत जुटा पाया। हर एक लड़की के लिए होता है कि तुम एक, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो लंबा होना चाहिए उससे। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कपिल के, बट यू नो जब होता है तो हो जाता है। कपिल के डैड ने हमारी लाइफ में रोल करा लव हीरो का, एंड ही मेड मी रियलाइज दैट यस ही इज़ द वन, एंड ही रियली लव्स मी, एंड हाइट एंड वेट डजंट मैटर।